outside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't. Hello everyone, welcome to my channel. मैं शिल्पी सिंह और स्वागत है आप सभी का शिल्पी सिंह ट्यूटोरियल्स में। आज का वीडियो होने वाला है टू स्टेप मिल्क फेशियल एट होम, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड जो स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करता है, स्किन के पोर्स को डीपली क्लीन करता है, जिससे कि हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। अगर आपकी पोर्स क्लीन है तो आपकी स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। तो चलिए जानते हैं कि टू स्टेप कैसे करना है, और ये जो टू स्टेप मैं बताऊंगी उसे आपको वीकली फॉलो करना है। अगर ऐसा करती हैं तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, प्लस की स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो भी कम हो जाएंगी। जैसे आपको पिंपल मार्क, एक्ने मार्क या फिर पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो इसे लाइटन अप करने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट फेशियल लाइक ग्लो एट होम विथ रॉ मिल्क। तो मेरी फेशियल की शुरुआत होगी डेली क्लींजर के साथ। इसके लिए आपको चाहिए रॉ मिल्क 2-3 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून ग्लिसरीन चाहिए। इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें आपको एक कॉटन बॉल ऐड करना है, जिस तरह से मैं इसमें ऐड करूँगी और फेस पर रब करूँगी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, जो आपके फेस से ये इम्प्योरिटीज़ को खींच लेता है, आपके क्लोज पोर्स को क्लीन आउट करता है। सबसे मेन बात ये वाला जो क्लींज़र है बहुत ही हाइड्रेटिंग इन नेचर होता है, जबकि जो मार्केट वाले क्लींज़र होते हैं वे आपके फेस को ड्राई कर देते हैं और आपके नेचुरल ऑयल को खींच कर बाहर निकाल देते हैं, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और स्किन प्रॉब्लम भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आपका नेचुरल क्लींज़र है, बहुत ही 100% सेफ़ है। ये आपकी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। इसे अच्छी तरह से आपको फेस पे रब करना है, इस तरह से मसाज करना है। ये आपको 2-3 मिनट तक आपको ऐसा करना है। इसमें डाले गए हैं ग्लिसरीन और मिल्क, जो कि दोनों एक बहुत ही एक्सफोलिएटर का काम करता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से स्किन क्लीन हो गई है। मैंने नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं फेस कितना क्लीन दिख रहा है ओनली वन स्टेप में। इस तरह से आपकी फेस बहुत अच्छे ग्लो करेगी वन स्टेप में ही। सेकेंड स्टेप चलते हैं। प्रॉपर एक्सफोलिएटर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। एक्सफोलिएटर के लिए हमें चाहिए 2 इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है राइस फ्लावर। राइस फ्लावर में होते हैं स्किन वाइटनिंग एंड लाइटनिंग प्रॉपर्टीज। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में होता है एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज, जो आपके डेली डेड स्किन को प्रॉपर हटाने का काम करता है, पोर्स को डीपली क्लीन करता है, इम्प्योरिटीज़ को हटाता है, साथ ही आपको पोर्स को डीपली क्लीन करता है। अब इसे फेस पे अच्छी तरीके से लगाना है। लगाने के बाद लाइट हैंड से आपको सर्कुलर मोशन में 3-5 मिनट्स के लिए आपको स्क्रबिंग करनी है। दोनों इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छा है, एक्सफोलिएटर का काम करता है, स्किन को वाइटनिंग लाइटनिंग बनाने का काम करता है। इसे अच्छी तरह से आपको करना है, इसे आपको वीकली फॉलो करना है। ऐसा अगर वीकली आप फॉलो करती हैं तो आपको जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही कम फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। तो ये आप करती हैं, साथ ही साथ ये आपकी स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करता है। तो देखिए, आपको अगर ड्राइनेस लगे ना स्क्रबिंग करने के लिए, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिल्क लेना है और मिल्क लेने के बाद फिर एक्सफोलिएट करना है आपको लाइट हैंड से। जैसा कि आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छा सा ग्लो आपकी स्किन पे नज़र आ रही है। इससे आपकी जो पोर्स है वो डीपली क्लीन हो गए, जिससे आपके जो फेस है वो बहुत ही अच्छा सा ग्लो कर रहा है। अगर आपकी पोर्स क्लीन होगी तो आपकी फेस जो है वो ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। तो आप देख सक रही हैं कितने अच्छे से टू स्टेप में स्किन बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा है। कोई भी क्रीम मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ लिप बाम मैंने लगाया है, आप देख सकती हैं। तो ऐसा अगर आप चाहती हैं ग्लो, तो आप इंस्टेंट ग्लो चाहती हैं, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।